विदिशा जिले के पठारी में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और भंडारों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों से पठारी क्षेत्र राममय हो गया और पठारी अयोध्या जैसी सजी नजर आई। प्रातः काल श्री भारत माता मानस मंडल के द्वारा रामधुन की प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन जागरण रैली का आयोजन किया। श्री हर छठ माता मंदिर में श्री अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। बस स्टैंड श्री हनुमान मंदिर, फॉर्म चौराहा के श्री शिव मंदिर, श्री राम जानकी राज मंदिर, श्री छोटी माता मंदिर सारंगा मोहल्ला, श्री पठार वाले हनुमान मंदिर में श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री करेली धाम में भजन का आयोजन किया गया। नगर में जगह जगह भगवा ध्वज और रंगोली से सजावट की गई। घरों के सामने महिलाओं ने रंगोली सजाई और मंगल बंधनवार बांधे गए। सुबह से शाम तक खीर और हलवा प्रसादी का वितरण किया गया। शाम को युवाओं ने वाहन रैली निकाली। 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ की कलश यात्रा निकाली गई, जो श्री बालाजी धाम बड़ोह से प्रारंभ होकर बड़ोह के मुख्य मार्ग से होते हुए पठारी पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए थी। कलश यात्रा में रथ, घोड़ा, डीजे, ढोल, रामधुन आदि शामिल थे। इस दौरान महंत विष्णुदत्त महाराज, क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि महाराज सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष हरिनेश यादव, कप्तान सिंह यादव, देवेंद्र सिंह ठाकुर, राजेश रिछारिया, अखिलेश पंथी, विपेद्री चौहान सहित यजवान श्रद्धालु भक्तगण शामिल थे। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट।